हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवां मिर्च। ये मोटी मिर्च होती हैं, इन्हें आलू भर के बनाया जाता है। तो ये इस तरह से लगती हैं दिखने में, इस तरह से, और ये बनाने में काफ़ी आसान है। तो इसके लिए हमें ये मिर्च चाहिए मोटी वाली, इस तरह से। इन्हें धोकर सुखा लें, ये हमने धोकर सुखा ली हैं, और इस तरह से इनको बीच में से काट लें, और इनका अंदर ये बीज और ये वाइट पार्ट होता है, इसको चाकू की मदद से बाहर निकाल लें, इस तरह से उंगली से निकाल लें। इस तरह से सारी मिर्च बीच में से काट के रख लें, और ये जो बीच का पार्ट है इसे निकाल कर ये जब हम इसमें आलू भरेंगे, उन्हें भूनेंगे, तो ये सारा ये उसी में डाल देंगे। तो इस तरह से हमने ये काट ली हैं, इस तरह से ये खाली हो गई हैं अंदर से, इसमें आलू भर जाएंगे। तो अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड कुछ भी, लेकिन तेल से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जीरा, हींग, हरी मिर्च, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया डालें दरदरा, और पिसा हुआ भी डालें, और दरदरे से और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इन्हें मिक्स कर लें, और ये जो हमने मिर्च कानी निकाला था अंदर से वाइट पार्ट, वो भी डाल दें, इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से चला लें, और फिर थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे कि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और इसमें आलू, उबले हुए आलू के पीसेस में काट के उन्हें इसमें डाल दें, इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से चला लें। गरम मसाला भी डाल दें ज़रा सा, तो मसाले अपने हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा जैसे भी आप खाते हैं, और इस तरह से अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें, और जब ये भुन जाएं तो एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दें। फिर हम इन्हें जो हमने मिर्च काटी हैं उनमें भर देंगे। तो ये ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम मिर्च में इस तरह से भर देंगे। अच्छी तरह से भर लें, इस तरह से, इस तरह से सारी मिर्च को भर कर रख लें। इस तरह से मिर्च भर कर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको छोंकेंगे, तो हम तेल डालें कढ़ाई में और इन्हें इसमें डाल दें, इस तरह से सारी फैला दें, मोटी नीचे रख लें और जो थोड़ी पतली हैं वो ऊपर रख लें, जिससे कि वो मोटी अच्छी तरह से गल जाएं। ऐसे तो कोशिश करें कि एक ही साइज की लें, फिर भी कई बार छोटी बड़ी हो जाती हैं। और इस तरह से इन्हें रखकर इसमें हल्का सा पानी अंदर डालना चाहें तो डाल दें, नमक डाल दें ऊपर से, क्योंकि फीलिंग में तो है नमक, ऊपर से मिर्च में नमक नहीं रहेगा, तो ज़रा सा डाल दें, पानी अंदर थोड़ा सा डालना चाहें डाल दें, नहीं तो इस तरह से प्लेट रखकर उसके ऊपर पानी डाल दें। कुकर में भी बना सकते हैं, और ये इस तरह से बन जाती हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो गई हैं, जल्दी बन जाती हैं, और आप इनको साइड सब्जी में परोस सकते हैं, एक सब्जी रेसे की और एक ये, इस तरह से फटाफट बन जाती हैं ये, और दिखने में भी अच्छी लगती हैं, खाने में भी अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बना कर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।